व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी? कुछ भी चलेगा। इंग्लिश? नो इंग्लिश। फ्रेंड्स, आप हिंदी में चलेगा चलेगी वाले बहुत सारे सेंटेंसेस डेली लाइफ में बोलते होंगे, लेकिन इन्हें इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विल डू को सेंटेंस में हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल डू। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में कोई सा नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन इट हो सकता है, या फिर एक जेरंड हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे आपके फ्रेंड ने कहा, मैं संडे को नहीं आ पाऊंगा, मैं मंडे को आऊंगा, तो आपको बोलना है चलेगा। जब भी आपको चलेगा शॉर्ट में सेंटेंस बोलना है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट विल डू। यहाँ पर चलेगा सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इट को सब्जेक्ट बना करके सेंटेंस के स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर चलेगा से मतलब है यह एक्शन होगी तो भी काम चल जाएगा। आइए सेकेंड टाइप देखते हैं। मुझे 500 रुपीज चाहिए थे, मेरे दोस्त ने कहा मेरे पास 500 रुपीज नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ 200 रुपए दे सकता हूँ। तो मैंने कहा 200 रुपए चलेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक नाउन मेंशन कर दिया है, तो मैं इट को रिप्लेस कर दूंगा नाउन से। यहाँ पर मेरा नाउन हो गया 200 रुपीज, तो आंसर होगा 200 रुपीज विल डू, 200 रुपए चलेंगे, मतलब 200 रुपए से भी मेरा काम चल जाएगा, 300 में किसी और से ले लूंगा। आइए थर्ड टाइप देखते हैं। आपने कहा मुझे 200 रुपए चलेंगे, अब यहाँ पर आपने पर्सन भी मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पर आपको एंड में स्ट्रक्चर में केवल फॉर प्लस मी हिम हर देम अस इनमें से एक यूज करना होगा। अब यहाँ पर बात चल रही है मेरी, तो हम लगाएंगे फॉर मी, तो आंसर होगा 200 रुपीज विल डू फॉर मी। आइए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। जब आपके होस्ट ने आपसे पूछा क्या तुम्हें जूस चलेगा, तब आप शॉर्ट में आंसर देंगे चलेगा, तो इसे कहा जाएगा इट विल डू। यहाँ पर आपने कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, ना ही वो पर्सन बताया है जिसे ये एक्शन चलेगी। सेकेंड टाइप में आप नाउन को मेंशन कर देते हैं। आपने अगर कहा कि मैंगो शेक चलेगा, तो यहाँ पर आंसर होगा मैंगो शेक विल डू। थर्ड टाइप में आप बताते हैं कि चीज किसको चलेगी। मुझे मैंगो शेक चलेगा, मैंगो शेक विल डू फॉर मी। उसे मैंगो शेक चलेगा, मैंगो शेक विल डू फॉर हिम। अच्छा, आप इनका नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। मुझे मैंगो शेक नहीं चलेगा, मैंगो शेक विल नॉट डू फॉर मी। इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हें मैंगो शेक चलेगा, विल मैंगो शेक डू फॉर यू। डबल इंट्रोगेटिव, तुम्हें क्या चलेगा, वॉट विल डू फॉर यू। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा, नो एक्सक्यूज विल डू। आइए अब देखते हैं जेरंड क्या होते हैं और उनसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जेरंड मीन्स होता है क्रियावाचक संज्ञा। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके उसे नाउन बना दिया जाता है और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं जेरंड। यह हिंदी में ना पे खत्म होता है। जैसे बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरी सलाह को अमल में लाना चाहिए। यहाँ पर बोलना मीन्स स्पीकिंग जेरंड है, तो आंसर होगा स्पीकिंग विल नॉट डू, यू मस्ट एक्ट अपॉन माय एडवाइस। एक्ट अपॉन मीन्स होता है अमल में लाना या उसके अनुरूप काम करना। आपने यह सेंटेंस तो हिंदी में जरूर बोला होगा, थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें पार्टी चाहिए, तो उसका आंसर होगा सेइंग थैंक यू विल नॉट डू, वी नीड द पार्टी। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तुमने उसका मोबाइल तोड़ दिया है, सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसे नया वाला दिलाना चाहिए। इसका आंसर होगा यू हैव ब्रोकन हर मोबाइल, सेइंग सॉरी विल नॉट डू, यू शुड गेट हर अ न्यू वन। फ्रेंड्स, अगर आपको लेसन समझ में आया है तो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए, और अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।